शोभाज किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एकदम जायकेदार नई रेसिपी लेके आपके सामने आ रही हूँ। जी हाँ, विंटर स्टार्ट हो गया और अभी सिंघाड़ा यानी पानी फल मिलना शुरू हो गया, तो मैंने ये सोचा क्यों ना इसी एक रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का चाव। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। सिंघाड़ा चाव बनाने के लिए ये देखिए मैंने सिंघाड़ा लिया है, इसे पानी फल भी बहुत लोग बोलते हैं, वाटर चेस्टनट। आज हम लोग इसे थोड़ा चाइनीज स्टाइल में एक नया रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने करीब 200 ग्राम लिया है सिंघाड़ा, ये कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च में जो लाल हो जाता है दोनों को मिक्स करके काटिए, थोड़ा तीखापन उससे ज़्यादा आता है। ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, ये कॉर्नफ्लावर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा मैदा और एक पिंच कलर लिया है, सॉल्ट, ये ओरिगैनो, काली मिर्च पाउडर, पानी और तलने के लिए तेल। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सिंघाड़े के 4 पीसेस करिए, इसे मैंने काट के रखे हैं। अब इसे एक बोल में ले लेंगे। और इसमें 4 चम्मच मैदा, काफ़ी ऊपर तक भर के 4 चम्मच मैदा लेंगे और 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लेंगे। ये अभी विंटर सीजन है तो ये सिंघाड़ा बहुत मिल रहा है, तो इसके भी कुछ डिशेज बनने चाहिए। और इसमें लेवल तक ऐसा करके मैं नमक भी ली हूँ और 1 चम्मच भर के ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालते हुए इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पानी बहुत ही थोड़ा डालना है। ये देखिए इसमें कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच सोया सॉस डालूंगी और थोड़ा सा कलर, प्राइस से ये रेड कलर आ जाएगा। अब इन चीज़ों को मिक्स करके हमें तलना है। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कलर इसमें ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। कलर डालने से थोड़ा सा इसका कलर अच्छा सा आता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। अब कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, अब इसमें तेल डालेंगे। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका, अब इसमें हम 2-3 एक एक सिंघाड़े को इस तरह से लेके टुकड़े को इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे सिंघाड़े के पकौड़ी जैसा बना लेंगे। ये देखिए ये सारे चेस्टनट के पकौड़े बनके तैयार हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर रहे हैं, उसमें पहले सबसे पहले तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा आनियन, तेल हमारा गर्म हो चुका और इसमें हमने कटे हुए प्याज डाल देंगे। फिर तो मैंने थोड़ा सा ये लहसुन भी क्रश करके रखा है, इसे भी इसमें डालना है। तो
थोड़ा सा ये छोटे हो जाए उसके बाद मैं इसमें जो गाजर और शिमला मिर्च काट के रखा है वो भी इसमें डालेंगे। उससे पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया है आधा बचा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। अब ये कटे हुए गाजर देखिए, गाजर और प्याज थोड़ा सॉटे हो चुका, अब इसमें कैप्सिकम भी डाल देंगे। कैप्सिकम भी थोड़ा टेंडर हो जाए फिर इसमें हम दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसे घोल के इसे अच्छी तरह से घोल देंगे, इसका लंप नहीं होना चाहिए। इसमें डालते हुए चलाते जाना है ताकि कोई लंप ना बने। ये देखिए इस तरह से ये काफी ठीक हो चुका। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिए, मैंने हाफ चम्मच डाला है, हाफ चम्मच काली मिर्च, थोड़ा इसमें करीब दो चम्मच सोया सॉस डालेंगे, दो चम्मच चिली सॉस और दो चम्मच टोमेटो सॉस भी डालेंगे। ये टी स्पून से लिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने ओरिगानो डाला है, थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब जो पकौड़े मैंने बनाए हैं उसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसका ग्रेवी थोड़ा थिक ही होना चाहिए। तो सारे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए, डाल के इसे अच्छी तरह से चला दें। ये हमारा सिंघाड़ा चाव बनके तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म अपने मेहमानों को सर्व करें। वाओ, यमी सिंघाड़ा चाव रेडी टू सर्व। तो कैसा लगा आपको सिंघाड़े का चाव? आलस नहीं करिए, प्लीज फटाफट इसे बना डालिए। और मेरा दावा है ये बहुत ही चटपटा मसालेदार जायकेदार रेसिपी है। और अगर पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, एक लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।